जिस तरह से नाबालिग बच्चों को नशे का आदि बनाया जा रहा है, उससे लगता है कि बच्चों का आने वाला कल नशे की गुमनाम गलियों में गुम होकर रह जाएगा। आपको बता दें कि छोटे छोटे बच्चों को अपने फायदे के लिए दुकानदार नशीले पदार्थ बेचकर बच्चों को नशे का आदि बना रहे हैं। आजकल रुड़की नगर में 8 साल से 14 साल के बच्चे साइकिल में पंचर लगाने वाला सॉल्यूशन नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सॉल्यूशन आसानी से स्टेशनरी की दुकानों पर बच्चों को मिल जाता है। इसी के साथ साथ बच्चे नशे के लिए फ्लूड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनका बचपन गुमनाम अंधेरे की तरफ बढ़ता जा रहा है। परंतु ड्रग्स विभाग का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। यह दोनों चीजें बच्चों को आसानी से कम दामों पर मिल जाती है, लेकिन इसका कारोबार करने वाले सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ करने से भी पीछे नहीं हटते। क्या इसी तरह से हमारा भारत तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकेगा? क्योंकि यही बच्चे हमारे देश का भविष्य है। क्राइम स्टोरी के लिए रुड़की से मिक्की जैदी की रिपोर्ट। भगवान का नाम है आपने को मुझे, और ये जो बच्चा आया है हमारे पास, ये ट्यूब है, इन्हें बता रहा है कि ये ट्यूब है। हमारे पास ना तो इसका दाम है, ना होलसेल है, ना रिटेल है, ना होलसेल है, खाली मोनते बुक स्टोर है, ओनली बुक स्टोर है। ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आप चेक कर रहे हो, और कुछ नहीं है। बच्चा झूठ बोल रहा है जी, बच्चा झूठ बोल रहा है। कहाँ से ली थी आपने दवाई? कितने की दी थी? 8। कब से ले रहे हो यहाँ से? यहीं से लेते हो? क्या करते हो इसका? किस तरीके से पीते हो इसको आप? अच्छा, बस। और क्या मिलाते हो इसमें? क्या होता है इससे? नशा करते हो? कितने दिन से नशा कर रहे हो? कितने दिन से नशा कर रहे हो? 2-3 महीने से नशा कर रहे हो? यहीं से लेते हो, इसी दुकान से? भाई साहब खेलने का बहाना हुआ, यहाँ से हम भी खेलने ना आवाया, घर पर ही पड़ गए। खेलते खेलते उससे काम कराएंगा, तो हम ये बात कह रहे हैं कि उसे टैक्सी को नशा देना जरूरी है। इसलिए आप कहीं स्कूल में जा रहा है, हमने स्कूल में भेजा, स्कूल में भी निकाल 8-9 महीने की फीस नहीं भेजी, शाम गहरी स्कूल में भेजा है हमने।